गुड मॉर्निंग। आज हम इंग्लिश की बुक में वर्क करेंगे। पार्ट वन बुक ओपन करनी है, पेज नंबर 56। आज हमारा टॉपिक है इज आर टू। इज आर हमने पहले भी यूज किया था। हमने देखा था जो इज है उसका यूज हम सिंगुलर के साथ करते हैं और आर का यूज प्लूरल के साथ करते हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर कि जो हमारे सेंटेंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम उसका इज का यूज करेंगे और प्लूरल है तो आर का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको सेंटेंस रीड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम रीड करेंगे दिस। अब इज और आर में से हमको एक चूज करना है, बट पहले हम देख लेते हैं अ बुक। बुक क्या है? बुक सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे एस भी नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे भी हमको वन बुक ही शो की हुई है। तो ये मीन्स ये सिंगुलर है, वन ही है और यहाँ पर भी बुक लिखा हुआ है, बुक्स नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? इज। तो इस तरह से आपको यहाँ पे इज लिखना है, दिस इज अ बुक, ये हमारा सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है द रैबिट वाइट। तो रैबिट क्या है? ये देखो वर्ड को सिंगुलर है, यहाँ पर भी एस नहीं है, सिंगुलर है और यहाँ पे वन रैबिट ही है तो इसलिए हमने रैबिट ही लिखा, रैबिट्स नहीं लिखे। तो हम सिंगुलर के साथ क्या यूज करेंगे? इज द रैबिट इज वाइट। इस तरह से द बीट्स, बीट्स क्या हो गया? देखो यहाँ पे एस लगा हुआ है और इस वर्ड के साथ और यहाँ पर बीट्स में भी वन नहीं है, वन से ज्यादा है। तो वन से ज्यादा जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वो क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। तो द बीट्स, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर। तो द बीट्स आर पर्पल, द बीट्स आर पर्पल, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल था तो हमने आर का यूज किया। इस तरह से आपको इज और आर का यूज करके इस शीट को कंप्लीट करना है।